हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शन है तो यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को कैसे सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है, सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स शो हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शन है तो यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को सेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को सेट करेंगे। सिंपली यहाँ से देखते हैं कि रिंगटोन वॉल्यूम को सेट करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम बटन एडजस्टिंग है रिंगटोन वॉल्यूम पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको मीडिया वॉल्यूम पे करते हैं तो मीडिया वॉल्यूम को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। सिंपली आपके फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो स्वाइप करेंगे, स्वाइप करते ही और आइकन ओपन ही आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शन है तो सेट कैसे करेंगे, तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है या सिंपली आपको जाना है सीधा साउंड सेटिंग पे। साउंड सेटिंग पे जाकर यहाँ से भी यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। रिंगटोन वॉल्यूम पे सेट करेंगे तो रिंगटोन वॉल्यूम को आप मैन्युअली सेट कर पाएंगे बटन के जरिए, और इस तरीके से आप मीडिया वॉल्यूम पे करते हैं तो मीडिया वॉल्यूम को सेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।